सो हे व्हाट्स अप मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। बेसिकली आज वाली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी लोग ऑसम सा पबजी मोबाइल का थंबनेल लाइव स्ट्रीम या फिर मतलब मॉन्टेज वगैरह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले आपको लाइक मेरा बैकग्राउंड करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें से आपको वाली इमेज पिक करनी है एंड दिवाली इमेज पिक करने के बाद आपको लाइक मैं दे दूंगा इफेक्ट, आपको मेरे पैक में ये वाला जो कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। आपको एक एमपी लेयर बनानी है, एमपी लेयर बनाने के बाद आपके कैरेक्टर के सिलेक्ट पिक्सल करने हैं, एमपी लेयर में जाना है, फिल एंड स्ट्रोक करना है एंड फिल एंड स्ट्रोक पर आपको उसको स्ट्रोक करना है एंड आप जो भी लाइक आपका थीम हो, जो भी थंबनेल की थीम हो लाइक रेड ब्लू ग्रीन वगैरह जो भी हो तो उससे आपको कलर करना है। तो मैं ऐसे रेड कलर कर देता हूँ, सही लगता है रेड कलर पर्पल पे भी, तो मैं इसे रेड कलर कर दिया है एंड रेड कलर करने के बाद आपको एफएक्स में आना है एंड यहाँ पर जाके आपको ग्लास वाला ऑप्शन में जाना है। ग्लास वाला ऑप्शन में जाके इसकी थोड़ी सी अमाउंट एंड स्केल थोड़ा बहुत छिड़कानी करनी है एंड हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना है इन दोनों को। इन दोनों कस्टमाइज़ करने के बाद अब जाना है आपको इरेजर वाले टूल में एंड इरेजर वाले टूल में जाने के बाद आपको लाइक साइड साइड से इसकी जो कुछ कुछ चीज़ें मतलब कुछ कुछ लाइन है वो क्लियर कर देनी है एंड उसके बाद आपको एक एमपीटी लेयर लेनी है। एमपीटी लेयर को आपको फिल करना है आपको लाइक पर्पल कलर से, मतलब जो भी आपका थीम है लाइक मेरा पर्पल है तो मैं पर्पल से कर ले रहा हूँ एंड आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट पिक्सल करनी है, ऊपर वाले सेक्शन में जाना है एंड क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको दोबारा से फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, स्ट्रोक पे दबाना है एंड इसको लाइक विथ जो है अपने हिसाब से कर लेना, हाइक मतलब ज़्यादा रखना बट मैंने इसे कम रखी है, बाद में मैं ठीक कर लूँगा ये, मैं जब देखूँगा कि मतलब गड़बड़ है बट आपको उसे मतलब हाई पर रखनी है 15 to 20 के अराउंड एंड ऊपर वाले उसमें जाना है एंड इसको सीधा एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो एंड ऊपर जो आपका लेयर है ये वाली इसको कर देना है ओवरले, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ मतलब इफेक्ट आ रहा हो आपका कैरेक्टर पे। इसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी वगैरह कम मतलब थोड़ी सी कम कर देनी है एंड अब आपको ये वाली जो पिक है ये वाली भी आपको मेरे पैक में से लेनी है और इसके बाद इसकी लेने के बाद लीनियर डॉज कर देना, लीनियर डॉज के बाद इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी आपको कम कर देनी है और दोबारा से पैक में जाना है एंड ये लेना है इसकी और लाइक एक और है लाइक वेट अ मिनट मैं इसको देखता हूँ इसका यहाँ पे, हाँ तो ये है, इसको भी आपको लीनर डॉज कर देना है एंड इसकी जो आप पर्पल वाला जो कलर है इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है एंड आपकी जो इमेज थी सबसे पहले वाली इसकी ओपेसिटी आपको कम कर देनी है एंड इसके बाद आपका कुछ कैरेक्टर इस टाइप का लगने लग जाएगा एंड एक और है तो हाँ तो इसको इस साइड में जो ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है इसको लेने के बाद ये वाला इसको सबसे ऊपर ले जाना है बट आपको ध्यान रखना है जो भी आपका लाइक इमेज वगैरह है उसके पीछे लेके जाना है एंड आपके कैरेक्टर के से नीचे रहिए, आपको इस स्टेप से करना है एंड ये वाली लाइट आपको उसको लेनी है एंड इसको टेंट में जाना है, टेंट में वेट अ मिनट आपको इसे टेंट में जाना है, टेंट में जाने के बाद इसको पर्पल कर देना है और इसकी भी ओपेसिटी आपको कम कर देनी है, बहुत कम ओपेसिटी रखनी है इसकी भी एंड ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है इसकी भी आपको ओपेसिटी इसकी भी कम कर देनी है, और ज़्यादा कम करनी है मैंने कम काफ़ी मतलब करी नहीं है, आपको और कम करनी है एंड इसके इतने के बाद आपको आपको मेरे पैक में से ये वाला जो है इसे ले लेना है एंड मेरे पैक में से जो लाइटिंग वाला इफेक्ट है ये भी आपको ले लेना है, दोनों चीज़ आपको लगा देनी है एंड इसके बाद मैं अपने पैक में ढूंढता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे अपने बैकपैक में से मैंने पार्टिकल्स लगा दिया है एंड पार्टिकल्स देने के बाद इसकी ओपेसिटी कम कर दी है एंड ओपेसिटी कम करने के बाद अब बारी हमारी टेक्स्ट की, तो अपने टेक्स्ट जाते हैं सबसे आगे की तरफ, टेक्स्ट की आपको सिलेक्ट पिक्सल करने हैं, ग्रेडियंट देना है, ग्रेडियंट आपको जो कलर से आपका मतलब पूरा थीम है उस कलर में आपको ग्रेडियंट देना है एंड उसके बाद आपका दूसरा वाला टेक्स्ट जो भी है वो ले आओ एंड इसको थोड़ा सा कम करो नीचे की साइड एंड इसके ऊपर लगा दो एंड इसको भी सेम आपको स्टेक्स के साथ भी यही करना है, इसके सिलेक्ट पिक्सल करने हैं एंड देन इसको ग्रेडियंट देना है रेड मतलब वाइट वाला एंड आपको एमपीटी लेयर बनानी है, एमपीटी लेयर को फिल एंड स्ट्रोक में जाके फिल करना है वाइट कलर से, वाइट कलर में नीचे जाके आपको सिलेक्ट पिक्सल करना है, ऊपर जाके आपको क्लियर करना है एंड इसे आपको ग्लो करना है। आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, आई नो आप सभी का आता होगा एंड किसी को नहीं आता वो सीख लो कॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉज आपके टैक्स को मतलब अलग ही लुक दे देती है ये, आपका टैक्स बहुत ओपी लगने लग जाता है इसके बाद। तो अब आपके नीचे वाले के सिलेक्ट पिक्सल करने टैक्स के एंड ऊपर जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है एंड
यही सेम चीज़ आपको दूसरे वाले ऊपर वाले अपने टैक्स अर्न करनी है, जो मैंने ये चीज़ करी है ऊपर से आपको ऊपर वाले टैक्स अर्न करनी है। तो ये करने के बाद आपका टैग जो है इस टाइप का लग मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपको एक एम्पिटी लेयर लेनी है। सबसे पहले हम जल्दी से इसको मैच कर लेते हैं फटाफट से। तो मैच करने के बाद अब आपको एक एम्पिटी लेयर लेनी है। एंड एम्पिटी लेयर मैं जल्दी से ले लेता हूँ। सबसे पहले इसको आप ड्रॉप शैडो दे दो। हाँ, ड्रॉप शैडो देनी है आपको एंड्रॉयड को। एंड एंड्रॉयड को जो ड्रॉप शैडो देनी है आपको, उसको जो एंगल है वो 180 की साइड रखना है आपको। एंगल ऐसे रखना है कि ये ऊपर दिखाई दे, मतलब 180 रख देना आप तो ऊपर की साइड जाए, तो इस टाइप का लगने लग जाएगा। एंड आपको इस पे दूसरे वाले पे भी आपको शेडो देनी है। एंड इसको 90 कर देना वापस से। एंड देन हाँ, इसका ब्लर वगैरह अपने हिसाब से छेड़खानी करके अपने हिसाब से देख लेना कैसा लाइक सही लग रहा है। एंड मैं थोड़ा लाइक चेंज करके देख रहा हूँ किस टाइप से सही लगता है एंड किस टाइप से नहीं, तो फटाफट से कर लेते हैं। एंड इसके बाद आपको ये चीज़ मैंने दे दिया है। एंड आपको एम्पिटी लेयर लेनी है। एम्पिटी लेयर लेने के बाद आपको ब्रश वाला ऑप्शन पर जाना है। एंड ब्रश वाला ऑप्शन पर जाके आपको मतलब जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट का। एंड इसको ऐसे मतलब डॉट 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 लाइक आपको फिंगर टच करनी है बस अपने टेक्स्ट के ऊपर। एंड फिंगर टच करने के बाद आपको सारे अपने टेक्स्ट पे लगा देनी है। एंड इसके बाद आपको ऊपर जाना है, गॉर्जियस ब्लर में जाना है एंड इसको पूरा कर देना। आप इसे एक बार चाहे एक बार दे सकते हैं गॉर्जियस ब्लर, आप दो बार चाहे दो बार दे सकते हैं। दो बार दोगे तो काफ़ी सही लगेगा आपके टेक्स्ट, मतलब ज़्यादा लाइक ग्लो नहीं करेगा वो। एंड या बहुत सही लगेगा। एंड आपको करना है कि आपको टेक्स्ट को लेना है एंड थोड़ा मूव वूव कर देना है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है एंड इसके पीछे लगा देना है। या सो आपका थंबनेल रेडी है हर जगह लगाने के लिए। सो आई होप आप सभी की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 1K करवा दो जल्दी से। सो मदद से प्लीज।